नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो BSKC 134 संस्कृत व्याकरण, इस सब्जेक्ट के जो भी बच्चे हैं उनका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो 100 नंबर का आता है और इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप एक बार देख सकते हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होते दोस्तों। अगर आपका आपने संस्कृत सब्जेक्ट ले रखा है तो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा भी संस्कृत ही सब्जेक्ट है, मैंने भी संस्कृत ले रखी है। हमारा एक बार कॉन्टैक्ट करने से ये हो जाएगा कि साथ रहेगा। ये मेरे पास जो भी संस्कृत के से रिलेटेड जो भी मेरे पास टॉपिक या मटेरियल होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में, ये काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, बुक में भी ढूंढने पर नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बुक में इनके आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बुक में टाइम लगाना पड़ेगा। इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं आप। ये 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, आपको पास होने के लिए 35 यानी कि 35 नंबर चाहिए। और संस्कृत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि कॉलेजों में इनके टीचर अभी अवेलेबल है नहीं। मैंने दिल्ली के कई कॉलेजेस में पता किया है, संस्कृत के कोई टीचर है ही नहीं कॉलेज में, क्योंकि मेरे पास खुद संस्कृत है इसलिए मेरे को पता है इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। अगर आपने भी संस्कृत ली है तो आपको भी काफ़ी परेशानी आने वाली है।